नमस्कार, मैं हूं जय श्रीनाथ और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। बीजेपी ने एक बार फिर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ पंचायती राज को लेकर ब्लैक पेपर जारी किया है। इस ब्लैक पेपर में लगभग 2 दर्जन मामलों को शामिल किया गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार की योजनाओं में दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिससे ग्रामीण विकास के काम ठप हो गए हैं। नगर निकाय चुनाव के बाद अब प्रदेश में पंचायत राज के चुनाव होने जा रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी ने एक बार फिर गहलोत सरकार के खिलाफ हमला बोला है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर केंद्र सरकार की ग्रामीण विकास की योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया है। जयपुर में बीजेपी मुख्यालय पर बुधवार को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुजर समेत अन्य पदाधिकारियों ने पिछले 2 साल में पंचायत राज से जुड़े विकास कार्य नहीं होने को लेकर ब्लैक पेपर जारी किया। इस ब्लैक पेपर को बीजेपी ने कांग्रेस का काला चिट्ठा नाम दिया है। इसमें कहा है कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की 11,344 ग्राम पंचायतों पर जबरदस्त कुठाराघात किया है। इसमें वित्तीय प्रबंधन के नाम पर कर्मचारियों के वेतन में कटौती का भी जिक्र किया गया है। आरोप क्या लगाए गए हैं ब्लैक पेपर में, वो भी बता देते हैं आपको। पहला, कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के पंचायती राज संस्थाओं की पंचम राज्य वित्त आयोग की 2019-20 की 2,565 करोड़ रुपए की राशि आवंटित नहीं की है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के 4,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित नहीं की गई है। विगत 25 वर्षों में पहली बार छठे राज्य वित्त आयोग का गठन नहीं किया गया। 800 करोड़ की FTO ऑर्डर गत 3 माह से वित्त विभाग ने रोका हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्य सरकार खुद के हिस्से की 40% से 1400 करोड़ रुपए की राशि जारी नहीं कर रही है। इससे प्रदेश में गरीब परिवार बेघर होकर दर दर भटक रहे हैं। पंचायती राज संस्थाओं के 1.5 लाख जनप्रतिनिधियों तथा 47,000 मानदेय कर्मियों को मानदेय की राशि जारी नहीं की। वेतन कटौती के चलते प्रदेश के कार्मिकों में जबरदस्त असंतोष है। राज्य सरकार किसानों का कर्ज भी पूरी तरह से माफ नहीं कर पाई है। 22 लाख किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ करने का वादा करने वाली सरकार ने केवल मंत्रिमंडलीय समिति बनाकर चुप्पी साध ली। किसानों के कृषि बिल के 833 करोड़ रुपयों के अनुदान को बंद कर दिया। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।